छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मंदिर हसौद इलाके में एक शख्स का कत्ल नाजायज रिश्तों की वजह से हो गया। दोस्त ने दोस्त की पत्नी को पाने के लिए हत्या कर दी। इस हत्याकांड में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक बुधवार रात मंदिर हसौद पुलिस को चंद्रखुरी के कोल्हान नाला के पास लाश पड़े होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश की पहचान के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की तो मृतक का नाम द्रोड़ सेन के रूप में हुई। बताया गया कि वह चंद्रखुरी बस्ती का है और सैलून संचालित करता है। सरे रहा है कि युवक की लाश का मिलना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। इस अंधे कत्ल को सुलझाने पुलिस ने रत जगह करने की ठानी। पुलिस ने द्रोड़ के अंतिम वक्त की कड़ी को पकड़कर ग्रामीणों से पूछताछ की। तब यह बात सामने आई कि अंतिम बार वह गांव के ही पुनीत धीवर के साथ नजर आया था। पुलिस ने यह तो पता लगा लिया कि अंतिम बार दोनों एक साथ थे। यह भी पता चला कि दोनों ने साथ बैठकर के शराब पिए। पुलिस को पुनीत की तलाश थी क्योंकि उसके बाद का राज वही बता सकता था। पुलिस बस्ती में ही एक घर में छिपा था। उसने पुलिस को गुमराह करने की कोई कसर नहीं छोड़ी पर आखिरकार सच उगल ही दिया और दोस्त के कत्ल की पूरी कहानी कह डाली। दोस्त के कत्ल में गिरफ्तार पुनीत के मुताबिक वह द्रोड़ की पत्नी से प्यार करता है। उनके बीच करीब 8 महीने से मेल जोल के साथ संबंध भी बना था। द्रोड़ के घर से निकलते ही पुनीत उसके घर पर होता था। इसकी भनक गांव वालों के साथ द्रोड़ को भी लग गई जिसकी वजह से दोनों के बीच में अनबन होना शुरू हो गया। दोस्त का हत्यारा पुनीत गांव में मजदूरी करता था। द्रोड़ को जब इसके और पत्नी के नजायज संबंधों की जानकारी हो गई इसके बाद वह द्रोड़ को रास्ते से हटाना चाहता था। द्रोड़ को शराब की लत थी जिसका उसने फायदा उठाया और शराब पिलाने के लिए उसको उकसाया। उसने द्रोड़ को कीटनाशक मिले शराब दे दिया जिसकी वजह से द्रोड़ की मौत हो गई। इसके बाद उसकी लाश को नाले किनारे फेंक दिया। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।